थ्री टीज टी चिम्बर और टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध महानंदा नदी के समीप बसा हुआ पश्चिम बंगाल का शहर सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेरणा है जो कि एक आवर गेस्ट टूर कंपनी से है और इनके साथ आज हम फूड टूर करने वाले हैं। वेलकम अनुभव टू सिलीगुड़ी द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। लेट्स स्टार्ट अ फूड टूर टुडे। कहाँ जा रहे हैं? शाम में लगाते हैं आप दुकान? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या है? चन्ना है। हाँ, बाजी सोनू। क्या नाम हुआ? सोनू। सोनू जी कितने साल से बेच रहे हैं? दस साल। दस साल से है। स्प्राउट्स बेचते हैं, चना मूंग पूरा चाट बना के देते हैं इसका। हैं? अच्छा बना दीजिए। हरा मिर्चा कम डालिएगा। लीजिए थोड़ा हाथ भी अपना रख कर लीजिए बढ़िया से एकदम। तो सोनू जी 10 साल से बना रहे हैं। हमारा तो जेल नहीं हुआ है, यहाँ तो मैं बिहार में था। बिहार में थे? हाँ, 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष से बेच रहे हैं? हाँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में। कहाँ? बिहार में मुजफ्फरपुर। धन्य हो, हमारा जन्म स्थल है। नॉर्मल चना और मूंग तो घर पे भी खाते हैं, ये वाला खाया जाएगा? भाजा बोलते हैं, भाजा। हाँ। चना भाजा खाबो खाबो आमी खाबो। तो प्रेरणा, यहाँ पे अगर डेमोग्राफिक कंपोजिशन की बात करें सिलीगुड़ी की, तो यहाँ पे बंगाली भी हैं। yes. नेपाली भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, बिहारी भी हैं, पंजाबीज भी हैं। देयर इज अ पाड़ा, देयर इज अ होल लोकेलिटी व्हिच इज कॉल्ड पंजाबी पाड़ा। सो अ लॉट ऑफ पंजाबी फैमिलीज दे आर सेटल्ड देयर आल्सो। सो I think in terms of population, it would be 60% Bengali and the rest 40% would be a mixture of all of them. But in terms of language, I think, like I told you before, Nepali, Hindi, Bengali and English, mostly at least tuta futa ya to kaam chalao wala, which they can communicate, everyone, at least the vendors, shopkeepers, rickshaw pullers, they will be able to. The food culture to bahut hi diverse hoga yahan pe. Food culture, there's a lot of overlapping between the different cultures. Like if you come to my house and if you eat the normal food, it will not be a typical Nepali meal. Usme aapka Bengali influence bhi aayega, thoda sa Marwari influence bhi aayega. So we cook it that way. So that I think Siliguri as a whole, which I feel is actually quite good as a model for India, which nowadays itna polarizing hai na, but a lot of people, they live here in harmony. So that is good about this city. Plural and diverse. Yes, yes. क्या बात है, मजा आ गया। Thank you, भैया। और चम्मच? Yeah, yeah. अच्छा है। ठीक है सोनू जी, धन्यवाद। आपका शाम शुभ हो और बढ़िया। आप रात तक जब घर पहुंचे पूरा माल बिक जाए आपका। गुड लक। ठीक है, चलिए। मदर विद मी टुडे व्हाइल वी आर डूइंग द मार्केट टूर। अभी हम लोग हैं सेठ सिलार मार्केट, विच इज़ मेनली फॉर क्लोथ, शूज एंड अ लॉट ऑफ अदर आइटम्स। यहाँ से होते हुए वील गो टू हांगकांग मार्केट, विच हैज़ अ लॉट ऑफ चाइनीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गो ऑन द टूर नाउ। हांगकांग मार्केट में क्या मिलता है यहाँ पे? जैसे चाइनीज गुड्स, ओके, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
फूड आइटम्स, ठीक है, बॉडी स्प्रे, मेकअप का, स्किन केयर का, बट या दे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दे विल नॉट हैव एनी वारंटी, बट दैट यू कैन टेक इट, इट वर्क्स फाइन ओनली. अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स, मतलब मुझे लग रहा है जैसे दिल्ली का गफार मार्केट है. यस 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 यस, उसी तरह से सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट है. हांगकांग मार्केट मतलब हर एक चीज का सेकंड कॉपी मिल जाता है. हां, हर चीज का सेकंड कॉपी, फ्रॉम शूज टू क्लोथ्स, एनीथिंग, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीथिंग. सो यू कैन कम हियर एंड इफ यू हैव नॉट विजिटेड दिस वंस, इट्स अ मस्ट विजिट फॉर एवरी ट्रैवलर. कितने कितने का दे रहे हैं ग्लास? कौन सा लेना है लीजिए? रेबन का है. रेबन का कितना में? 300. देने वाला बताओ, आपको लेना है तो. हाँ, तो ऐसे थोड़ी टाइम पास कर रहा है. ना ना, क्या बात है, एकदम हमको वाला पिक्चर याद आ गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला पिक्चर तो हो रहा है. वो पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, जो पिक्चर था, है ना? सही लग रहा है, पैक कर दे. लेकिन इसमें पावर तो नहीं है ना, हम चश्मा देखे कैसे? पावर डाल सकता है इस खोल के. हैं? हाँ. पावर कहाँ लगवा पाएंगे इसमें? इसको पहन ही नहीं पाएंगे, हमको दिखेगा ही नहीं दूर का. कोई बात नहीं, आपका घड़ी भी है? ना ना, मेरा घड़ी है. अच्छा, किसे कितना रेट कर देते हैं इसको? 150 रुपये. हम का बोने के 200 दीजिए. कहाँ से आता है सब माल? मालूम नहीं है, हम तो घर ये इधर से लेके आता है. कहाँ से? इधर से ही, विजन मार्केट में ही है. यहीं विधान मार्केट में मिल जाता है, यहीं विधान मार्केट में बेच देता है. अरे वाह, सही. ये जो लॉटरी है इसका कब निकलेगा? आज रात 8:30 बजे. कितना रुपए का है एक लॉटरी? लॉटरी 30 रुपया लेके आपको 1120 रुपया. 30 रुपया 5 टका. तो हमको एक टिकट दे दीजिए, कब देख, कहाँ देखना होगा इसको? रिजल्ट भी आएगा आपको, न्यू मोबाइल में भी आ जाता है. मोबाइल में कौन सा देखिए? बाप रे, इतना इतना गड्डी लेके खरीदता है आप रोज? रोज नहीं, वो टिकट लॉटरी फंस गया था, 6,000 रुपये फंस गया था, उसी से और खरीद लिया. वही खरीद लिया. एक एक गड्डी दे दो 30 रुपये वाला. तो ये मैंने लॉटरी खरीदा है, 6 रुपये एक लॉटरी है, 5 टिकट लिया है और इससे इनाम मिलेगा. 8 बजे देखते हैं हम जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं. बाजार घूम रहे हैं और फिर कहीं पता करेंगे. नागालैंड स्टेट लॉटरी, तो ये लीगल है यहाँ पे ना? लीगल नहीं है. आर्या बेकरी, आर्या बेकरी, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकरी इन सिलीगुड़ी. दिस हैज बीन अराउंड सिंस द टाइम आई वॉज आई थिंक बॉर्न ऑल्सो. सो लेट्स ट्राई द फेमस चिकन पैटीज. ऑलराइट, चिकन पेटीज होबे? तीन था खाना है, खाना खाबो खाबो. ये आर्या बेकरी का चिकन पेटीज है. यस, चिकन. जहाँ पे आप प्रेरणा बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं? हम बचपन से आ रहे हैं, दिस इज माय फेवरेट. प्रेरणा की मम्मी भी आ रही है. So, आप ही लेके आ रहे हैं? जनरेशन. बहुत बढ़िया, बिल्कुल हर एक लेयर में क्रिस्पीनेस है. Exactly. और कितना फ्लफी है. और इनका चिकन का जो मसाला भी है, आई रिमेम्बर फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज, इट हैज स्टेड कंसिस्टेंट. तो टेस्ट है मसाला का और मुंह में पूरा लग जाता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल. इसके साथ चाय चाहिए? स्मॉल बाहर वाला चाय. इसका बाहर का लेयर्स आई फाइंड इट वेरी नाइस, बहुत क्रिस्पी है. अंदर का मसाला भी अच्छा है. दैट इज व्हाट इट हैज स्टेड कंसिस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सेम टू सेम, चेंज हुआ नहीं है. मजा है ना? पूरा खा गए हम, बहुत अच्छा लगा. बहुत जगह क्या होता है, पेटीज खाते हो ना, ऊपर चिपक जाता है. यस एग्जैक्टली, ये नहीं है. इसमें नहीं, इसका लेयर्स बहुत लाइट है एंड इट स्टेज क्रिस्पी. बिल्कुल, चलें लेट्स गो. लेट्स गो, इट्स कॉल्ड कविता बेकरी. नमस्ते दादा. चीज पफ मिलेगा और मसाला चीज? हाँ, वो दी दीजिए मिक्स करके, चीज और मसाला एक पाव. हाँ, मिक्स करके. तो आप एक बता रहे थे कौन सा जो
ब्रेड होता है जिसमें मक्खन लगाते हैं, वो कौन सा वाला है दादा? वो ब्रेड है, स्वीट ब्रेड, वो दिखा दीजिए तो छोटा वाला। पैकेजिंग वॉज इन व्हाइट कलर, पूरा प्लेन व्हाइट प्लास्टिक में, अभी थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज हुआ है, बट ये ब्रेड इतना टेस्टी है। और वी आर कमिंग हियर फॉर द, आई डोंट नो, आई एम ऑलरेडी 30 प्लस, सो दादा चार ठा चाय और बिना चीनी का नहीं, दो बिना चीनी। सुनो लेबू अच्छे আমাকে লেবু চাই করে তাহলে একটা লেবু চাই, একটা লেবু চাই, একটা লেবু চাই, मैं दूध वाला चाय। हां और बाकी का दूध वाला चाय, लेबू चाय बाद में पिएंगे। लेबू चाय इसके साथ, इसके साथ तो दूध वाला ही अच्छा, ज्यादा अच्छा लगेगा। नाम है सिलीगुड़ी कृष्णा मोबाइल टी। आप घूमता रहता है क्या? नहीं, तो मोबाइल टी नाम रखा हुआ है, वही तो नाम, नाम तो वही है लेकिन घूमता नहीं है इसके लिए शायद। तो ये रात में ले जाते हैं क्या इसको? हां संग में रहता है। अच्छा दादा फुल टाइम यही काम करते हैं कि और भी कुछ करते हैं? यही करते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या करते हैं? पहले हाँ मतलब शौकाल पहले, तीन बजे से पहले बाजार करते हैं। बाजार करके काजी 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 दादा आप यहीं के ही हैं सिलीगुड़ी के? और कितना साल हो गया दादा आपको ये दुकान का? हाँ 20 साल से। 20 साल से दादा एकदम बढ़िया चाय बनाइएगा। ये आपका लेमन टी, लेमन टी, लेबू चाय, ये हमारा दूध वाला चाय। इसको डिप तो नहीं करना ना? डिप नहीं करना है। मेरा वाला चाय तो अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। सही कह रही थी मैम, इसमें हल्का तीखापन है, मतलब मसाला है। हाँ थोड़ा बहुत मसाला भी रहता है, मतलब आई थिंक आई डोंट नो व्हाट स्पाइसेस एंड लिटिल बिट ऑफ चीज पाउडर। होल चीज तो नहीं देगा, मतलब यू नो जस्ट स्मेल ऑफ द चीज एंड इनसाइड वाला, ये वाला लेयर मतलब कम है, मसाला चीज पफ है। एग्जैक्टली उसका मजा लेकिन चाय के साथ ही आता है। चाय के साथ ही अच्छा लगे, ऐसा ही अच्छा नहीं, चीनी वाला चाय मोर देन कॉफी, इट्स बेटर टू हैव विद टी। हां आपके यहां वो नहीं मिलता कुल्हड़ वाला चाय, उसको बोलते हैं भाड़, भाड़ बोलते हैं ना? भाड़ नहीं, पहले मिलता था, आजकल बहुत ही कम, हर जगह पेपर कप्स आ गए। हां आजकल ज्यादातर पेपर कप प्लास्टिक उसमें देता है। चाय बहुत बढ़िया है, जो प्रॉपर एक लीफ का फ्लेवर होता है वो इसमें आ रहा है। तो ही मिक्स द सीटीसी विद द लीफ टी राइट? A lot of us, when we have tea, regular tea at home also, we do Darjeeling. Darjeeling ka wo jo green tea or leaf tea, we mix it for the flavor and CTC ka rang ke liye. A lot of people, like I told yes, you, overlapping mix and match, we do that. Achha dada, dhanyabad. Thank you dada. Khub balo chai pilaya, khilaya, khilaya nahi. Chaliye, theek hai. Ekdam intense, kadak chai tha. Chaliye, aaiye. Bye bye. আমি আসছি। দাদা ঝাল কম ডালনা, তিখা কম, উবলা আলু, প্যাজ, চনা, মিক্সচার, কালা নমক, मसाला। कौन सा मसाला है? मिक्स मसाला है, नहीं मेरे हल्का हल्का बस, ये अचार, अचार मिक्स अचार का मसाला डालिए कम कम, और ये मीठा खट्टा दोनों डालो हल्का हल्का, ये इमली का पानी और खट्टा। ये मीठा किससे बनाते हैं? बहुत टेस्टी है। कैसे? गुड़ से बनाते हैं? गुड़ से। अरे वाह, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कोलकाता में घूम रहा है। आप टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं आप पहले टेस्ट कीजिए, आपको क्योंकि मिर्चा कम खाना है ना इसीलिए। थैंक यू, ठीक है, जबरदस्त। मैम को भी टेस्ट कराओ साइड में है।
सिलीगुड़ी में इनका जो है ना ये मूली बहुत ही टेस्टी है, सभी यहाँ आते हैं खाते हैं। आपको दादा कितना साल हो गया यहाँ पे? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स ये झालमुड़ी का दुकान यहीं लगाते आ रहे हैं? ये हम लोग मार्केट के अंदर में ही रहते हैं। क्या नाम बताया दादा? बोई रागी। हाँ वाई बनेगा। हम आज तक कभी वाई का चाट नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया वाई का, मतलब पानी में मिला के खाया, कच्चा खाया है, चाट नहीं खाया। ये वाई वाई का मसाला और ये क्या डलता है? ऑयल। अच्छा इसमें भी आलू जाएगा? वाई वाई में आलू, हाँ, प्याज, चना, मिक्सर, काला नमक, मसाला, लाल मिर्च, अचार का मसाला। ये क्या अचार है भैया? इसमें इमली नहीं जाएगा? इमली इसमें, फिर मीठा चटनी, मीठा चटनी और इमली, इमली भी देगा। मतलब इसमें आप मूढ़ी के बदले वाई वाई डाल दिया, ये फ़र्क हो गया इसमें ना भाई। इसका तो फोटो लेना बनता है। बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत टेस्टी है। और इमली का टेस्ट और भी मतलब उसके ऊपर से आ रहा है। मतलब ये मूढ़ी से ज़्यादा क्रंची है। हाँ, और ये प्रॉपर जो स्ट्रीट फ्यूजन है वो है। दादा कितने बजे आते हैं बाजार में? हाँ 12:30 बजे आते हैं। वो हनुमान मंदिर है ना, मंदिर है। हम तो आज पहला दिन आया। नहीं नहीं, ये जो ये साइड है ना मंदिर है, वहाँ बैठता है 11 बजे, 11:30 बजे से 1 बजे, 1 बजे से घूमता है, 4 बजे मंदिर में बैठता है, भीतर मंदिर। हाँ यार 6 बजे घर आता है, 8 बजे चला जाए। आपका मेन कस्टमर कौन है जो शॉपिंग करने आता है? वो लोग की दुकानदार? दुकानदार सभी सर, मिक्स है। थैंक यू बैरागी जी। कितना हो गया हम दोनों का ये? 50 रुपये की 50 टका? 50 टका, 50 टका, 50 टका दादा, 50 टका। चलिए दादा, ठीक है दादा, धन्यवाद। हम लोग खाते हुए चलते हैं। चलिए। सो नाउ लेट्स विजिट द फेमस मोमो गली, विच अ लॉट ऑफ शॉपर्स दे कम एंड जस्ट यू नो हैव अ क्विक बाइट। सो यहाँ पर बेंचेस में बैठ के हम लोग को खाना पड़ेगा। इसमें बंद गोभी है, प्याज है, बटर है, गाजर है, अदरक है, अदरक लहसुन, लहसुन नहीं चाहिए, नहीं थोड़ा सा डालडा है। तो ये पूरा मार्केट वेजिटेरियन है? पूरा मार्केट, कहीं भी नॉन वेज नहीं मिलता यहाँ पर? नहीं मिलता। अच्छा, इस गली का नाम मोमो गली है, लेकिन सब कुछ मिलता है, चाउमीन वाउमीन सब मिलता है, सब फास्ट फूड मिलता है। ये चटनी में क्या क्या डालते हैं? टमाटर है, मिर्ची है, मसाला है। ऐसा क्यों कि यहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज कम, सो प्रोबेबली दे विल हैव सम प्रॉब्लम्स इफ देयर इज नॉन वेज। लेकिन ये यहाँ बैठ के विंटर में ये मोमो खाने का एक अलग ही मज़ा है। ये एक ऐसी चटनी है, तीखी होते हुए भी मैं खा लेता हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल, मतलब बहुत जगह पे क्या होता है, मोमो खाते हो ना कुछ अलग ही बना के दे देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल जो बेसिक होना चाहिए मोमो, वो टेस्ट फ्लेवर इसमें है। आपने एक ही नहीं माने, जब भी हम लोग मार्केट से, जब भी आते हैं आप लोग खाते हैं ना शॉपिंग करके, अच्छा लगता है। चलिए, दिस इज अ वेरी पीपल पॉपुलर एंड फ्रेंडली प्लेस, मतलब पॉकेट फ्रेंडली प्लेस। हाँ, जैसे मतलब बाजार में लोग चाट गोलगप्पे खाते हैं, वैसे आके लोग मोमो खाता है। मोमो खाते, मोमो से प्लेट भी जल्दी जल्दी भर जाता है, तो अच्छा है। ठीक है दादा, थैंक यू, ओ बालो चला जा। लेट्स ट्राई द
फुचका इन सिलीगुड़ी यू ट्राइड इट इन अ लॉट ऑफ प्लेस कलकत्ता में तो आप सिलीगुड़ी का भी इस बार ट्राई करें क्विंटेसेंशियल बंगाली स्ट्रीट स्ट्रीट फूड फूड हां यस चलिए दादा फुचका कैसे करके दिया 10 का 3 ठीक है हम लोग एक एक पीस सब लोग खा लेंगे अभी तो इतना एक दोना दे दीजिए हम लोग उसी में सब लोग उठा लेंगे हाँ। इसमें क्या क्या डालता है पहले बता दो मेरे को ये आलू का मसाला है आलू का मसाला है इसमें चना मोट डालते हैं चना और मोट हाँ। अच्छा और मसाला है जीरा है धनिया है मिर्चा है हरा मिर्ची है हरा मिर्ची मत डालिएगा और गोंदोराज डालते हैं गोंदोराज लेमन हाँ नींबू भी आप बोलिएगा तो दे देंगे गोंदोराज नींबू हाँ गोंदोराज नींबू उसके बिना तो पुचका का मज़ा नहीं आएगा खाने में तो गोंदोराज नींबू वाला बता दो तो आलू में डाल देंगे आलू में डालेंगे बहुत जगह पानी में डाल देता है पानी में सेंट उसका सबको अच्छा नहीं लगता अच्छा ठीक है देने से टेस्ट बढ़ चलिए ठीक आलू में डाल दीजिए आप कहाँ के हैं बिहार का है वैशाली वैशाली ज़िला हाजीपुर के पास जो है आपका नाम क्या हुआ हमारा श्रीधर श्रीधर नाम है इनका नाम श्रीधर है श्रीधर जी हम नींबू डालते हैं ये क्या ना अब बंगाल का टेस्ट आएगा इसमें आइए जायका लिया जाए मेरा तो पुचका टूट गया ज़्यादा देर रहने से टूटेगा चलिए पहले ये खा लेते हैं फिर पानी पी लेंगे क्या बिल्कुल एकदम खट्टा पानी बहुत मज़ा श्रीधर जी हाँ जी मज़ा आ गया ठीक है भैया प्रणाम प्रणाम अच्छा लगा आपका प्रणाम फिर आएंगे सिलीगुड़ी आपका पुचका खाने के लिए आप खड़े होते हैं श्री सारी दुकान के सामने में स्ट्रेट श्री लाल मार्केट सिलीगुड़ी में कितने बजे आते हैं आप कितने बजे आते हैं टाइम हम लोग फिक्स नहीं है तब भी कितने बजे आ जाते हैं जब मन करता है तब ना बोले बोलेगा हम लोग टाइम का कोई 12 बजे आता है कभी 2 बजे आता है अच्छा मतलब दोपहर के बाद मिल जाते हैं पर बिजनेस होता है आपका ज्यादातर शाम का नहीं बिजनेस अभी बीमारी खा गया हम लोगों को एकदम नहीं हुआ कोविड के वजह से इतना आदमी चल रहा है हम लोग कम माल हो रहा जाता है बाकी धंधा एकदम नहीं हो रहा है सब जगह यही दिक्कत है क्या करिए खान पान सब घूर के चला जाता है एक दिन माल बनाता है दो दिन तीन दिन बिक्री हो गई चलिए कोई नहीं धीरे धीरे पकड़ रहा है मार्केट में पिकअप पकड़ेगा अभी नवरात्रा शुरू होगा दुर्गा पूजा तब लोग सब खाएगा ठीक है चलिए सीधा जी प्रणाम 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 थैंक यू भैया ठीक है ठीक है अच्छा ये लिट्टी के साथ मटर दे रहे हैं नहीं नहीं मटर ये क्या है घूंगनी और आलू 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 चाट ये भी खाएंगे अरे हमको ये खिलाओ लिट्टी चोखा तो हम बहुत बार खाया लिट्टी छोड़ दीजिए ये इतना छोटा छोटा टिक्की टिक्की से कोई मतलब नहीं उस पे डालेंगे अच्छा देखिए गरम गरम तवा में हम हाथ लगा रहे हैं कुछ नहीं हुआ है एक पीस टिक्की में मटर डाल रहे हैं और उसके बाद फिर डालेंगे ये क्या चीज़ है पापड़ी कैसा करके प्लेट 30 रुपए का एक टिक्की दो बाप रे बाप भैया ये इतना महंगा टिक्की बेच रहे हैं टिक्की नहीं ये टिक्की घुगनी प्लेट है टिक्की घुगनी प्लेट टिक्की नहीं, फिर भी तो दूसरा टिक्की देता है और घुगनी अरे बाप रे बाप अब बदला ले लिए हमसे हम बोले कि ठंडा है तो गरम पकड़ा दिया हाथ में गरम कहाँ है डबल प्लेट लगाया तभी गरम ये है टिक्की घुगनी ये टिक्की का साइज बिल्कुल एकदम कॉइन शेप बाइट साइज टिक्की है और ये जो तवा देख रहे हैं ठंडा ये पहले बना के रखते हैं उसके बाद ऊपर में घुगनी डालते हैं प्याज पापड़ी अलग अलग तरह की चटनियाँ हैं मसाला है लाल मिर्च है और नमक है आप बिहार से हैं कौन जिला बक्सर अच्छा बढ़िया बनाया जी
धन्यवाद किशन जी, मज़ा आया आपका टिक्की और घुघनी खा के। ठीक है, चलिए प्रकाश जी ये खाएंगे और आपका नाम गुनगाएंगे। कितना हो गया इसका? 20%। अभी बिहार से हैं? यूपी से। यूपी कहाँ? गाजीपुर जिला। गाजीपुर, अच्छा। तो आप कब से लगा रहे हैं दुकान? लगा रहे हैं यहाँ पर 15-20 वर्ष लगा रहे हैं। घर पे बनाते हैं? हाँ। कैसे बनता, कैसे है? कूट करके हम लोग फ्राई करते हैं, इसी चना को बनाते हैं। नहीं तो पहले कच्चा चना होता है, भिजाता है पानी में। हाँ, उसके बाद उसको दो छोटी टुकड़ा के कूटता है, फिर तेल में फ्राई कर देता है, ऐसा हो जाता है। इसका असल नाम चना जोर गरम है। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, गाना भी है ना? एक गाना भी तो बहुत पुराना, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। चलिए बढ़िया है ओम प्रकाश जी। यहाँ पे झाल वाला आइटम सब बहुत खाता है लोग सिलीगुड़ी में, झाल मुड़ी, पुचका, मोमो, ये सब बहुत खाता है। ठीक है ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। और ये इस पर लाइट जलाते हैं, ये कब जलेगा? पहले जलाते थे तो लाइट हो गया, तो इसीलिए बंद करके रखा हुआ है। चलिए, हमको याद है सब, मतलब बचपन का याद सब है, इससे धुआं निकलते हुए देखते थे। तो अब बंद करके रखा है, अब लाइट हर जगह हो गया है। ठीक है राम भाई, धन्यवाद। चलिए सिंघाड़ा और चॉप। यस यस, इट्स अ वेजिटेबल चॉप, इट्स वेरी फेमस हियर फ्रॉम 5 PM, सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई फेमस वेजिटेबल चॉप, आर्टिसनल चॉप। दादा ये चॉप में क्या यही सेम मसाला जाता है? नहीं, वाला भी अलग मसाला है। ऊपर में क्या चीज़ लगाया है? ये हाँ, बिस्कुट का क्रम बोलता है, क्रम, ब्रेड क्रम। आलू का मसाला होता है? नहीं, उसमें सब्जी है, गाजर है, बीट है। अच्छा, वेज है? वेज कटलेट की तरह है? कटलेट ही है, कटलेट है। तो आपको चप्पा कर देगा तो कटलेट हो जाएगा। और आप लोग कब से लगा रहे हैं दुकान? 30 साल हो गया। इनके ऊपर में ब्रेड क्रम्स लगाया हुआ है, अंदर वेजिटेबल्स है। हाँ। और आलू है इसमें? yes. गाजर, बीट रूट्स, पीस मेबी एंड बीन्स एंड ऑल, मसाला। बाहर का बहुत ही क्रिस्पी रहता है। आपका बढ़िया काम है, बढ़िया गरम गरम चप बनता रहता है, यहाँ आप खाते रहते हैं रोज? दिन में एक ठो बस, एक पीस दिन में एक ठो, क्या शाम में एक ठो खाते होंगे ना? अच्छा दादा, धन्यवाद। थैंक यू दादा, बहुत दिल्ली फूड बॉक्स। अब नेक्स्ट जाते हैं हम अंडा घुघनी ट्राई करने के लिए, शायद आपका यूनिक है यहाँ पे, घुघनी में बॉइल्ड एग देता है। सॉरी, तो कैसे बनाते हैं? इसके अंदर में घुघनी है, एक बार दिखाइए घुघनी। अच्छा, ये वही मटर, ठंडा में ज़्यादा खाता हुआ लोग क्या? हाँ। जाड़ा में? हाँ। अरे वाह, क्या सही, वाह, ये हमको सिखा दीजिएगा करना है। ये क्या मसाला है? भुना जीरा, चाट मसाला। ये नमक, ब्लैक सॉल्ट, ये इमली पानी, ये कच्चा प्याज, ये हरा मिर्च। कम दीजिए, कम। दीदी हमको अंडा छीलना सिखा देंगे, हम जब भी अंडा छीलता है ना तो हमारा वो चिपक जाता है। ये उनको दे दीजिए, पहले लीजिए आप, ले हम करें, हम करें चम्मच वाला। चम्मच से एक्चुअली
much more easier. After her, आपको पता है? After seeing her, I have done it at home. हाँ? अरे मैं कर हम करेगा. अब घुमा दे. सही निकाल दिया. हमको काम पे रख लीजिएगा ना. हैं? हमारा काम पक्का है. नौकरी पक्का. हम अंडा छीलेंगे यहाँ पे. क्या सही टेक्निक है. हम उसमें टेस्ट कर लेगा एक चम्मच. इनको बना दीजिए. एक तो मैं ये येलो वाला नहीं खाता है. अच्छा तो व्हाइट वाला ले लीजिए साइड में. अच्छा. नॉट बैड. हेलो. बिल्कुल एकदम जैसे घुगनी चाट होता है वैसे बन गया है ये. ये बहुत टेस्टी है. तो अंडा पसंद है तो और भी मजा है. आप भीड़ देखो. इवनिंग में ओनली आफ्टर 5-6 डेज. अंडा आल्सो अंडा आले को घुगनी टेस्ट आउट. अनबिलीवेबल. बहुत ही उम्दा है खाना. तो थोड़ा जल्दी तीन लोग और भाई. ये कैसा प्लेट देते हैं दीदी? 25 टका में एक अंडे का. एक अंडा घुगनी. एक दीदी कलकत्ता में है. एक दीदी यहाँ है. अच्छा काजोल दीदी धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. अगर आप भी इस दुकान में आके अंडा घुगनी खाना चाहते हैं तो सिल्लीगुड़ी में इस बाज़ार खादिम्स के बाहर में दीदी दुकान लगाती हैं. आप भी आके यहाँ पे अंडा घुगनी का जायका ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा दीदी चलिए. शिमला मिर्च और मटर डाला है. ये आलू और टमाटर है दोनों साथ में उबाले हुए हैं. हैं? इसे पालक भी डालते हैं क्या? वाह भाई मक्खन तो बहुत डालते हैं आप लोग. हैं? और मक्खन डालेंगे. बाप रे. तीखी लाल मिर्च. उसके बाद नमक. क्या हो गया? ये क्या है? लहसुन पेस्ट. लहसुन पेस्ट. नींबू. ये है मसाला. ये मेन मसाला है. बहुत सारा मसाला जाता है इसमें. लेकिन जो एक टेस्ट आता है भाजी का अलग से. वो कौन से मसाला क्या होता है? वो अलग से बनता है ना. अलग से बनता है. कैसी से बनाते हैं? नहीं बता सकते. सीक्रेट है. इसमें वो भी डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन. वाह अब सबको साथ में सब मिक्स कर दे रहे हैं. अब इसको मैश कर रहे हैं. सबको मिला रहे हैं. हम लोग चौधरी पावाजी शॉप पे. इसका नाम बता रहे थे पहले बॉम्बे पावाजी था. हाँ, इसी के बगल में था बॉम्बे. इसने ना गलत कार लगाई हुई है तो जो भी यू टर्न ले रहा है ना वो बेचारा यू टर्न ले नहीं पा रहा है तो इसको हॉर्न कर रहा है. अब उनको समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा आगे करके लगाना है. एनीवेज है. हाँ वही ना अजीब है. थोड़ा सा आगे करके लगा लेता यू टर्न में भाई साहब. मतलब हमें लगता था कि दिल्ली में ही लोगों को पेशेंस नहीं है. यहाँ भी सिल्लीगुड़ी में भी एक सेकंड भी कोई रुकता नहीं है ट्रैफिक पे. आप शोर सुन सकते हैं कितनी आवाज़ है कितना शोरगोल है ट्रैफिक का. हम लोग इस समय चौधरी पावाजी शॉप पे हैं. यहाँ पे हमने पाव भाजी ली है. इसका नाम पहले बॉम्बे पाव भाजी होना था. मतलब ये सीख क्यों नहीं रहा? ये इतने लोग 12 बजे तभी सीख नहीं रहा हो. अब आए क्या?
भाई साहब बता रही थी पहले इसी के बगल में एक ओरिजिनल शॉप था जिसका नाम था बॉम्बे स्टोर, ठीक है, दैट वाज द स्टोर व्हिच यूज्ड टू सेल पाव भाजी अर्लियर इन द अर्ली मिड 90s एंड अर्ली 2000s, बट दैट स्टोर हैज क्लोज डाउन और उसी के पास में ये शॉप भी मतलब बगल में खुल हुआ, सो दैट स्टोर एंड दिस हैज बिकम मोर फेमस एंड पीपल आर कमिंग टू हैव ओनली पाव भाजी। बहुत टेस्टी है, बहुत ही उम्दा, इसमें प्रॉपर आपको हर एक सब्जी का स्वाद आएगा। सेकेंडली वो सब्जियाँ भी हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घुट चुकी है, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का सा जी, तो वो जो टेक्सचर होता है सब्जियों का वो भी आपको स्वाद मिलेगा और बन बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। सेकुआ चिली ऑर्डर दैट, तो सेकुआ नेपाली इज बारबेक्यू चिकन जो स्क्यूअर्स में होता है, ठीक है, नाउ द चिकन इज ऑलरेडी बीन स्क्यूअर्ड मतलब बारबेक्यू हो चुका है उसी का चिली मतलब शिल मेकेड, सो वील हैव दैट चिकन। सेकुआ सेक से बना सेकुआ, हाँ, सेक जो सेका हुआ है फायर पे, ओपन फायर तो बारबेक्यू चिकन उसको चिली हाँ, बनाया गया है विद अनियंस एंड कैप्सिकम एंड ऑल दैट, सो वी विल ट्राई दिस फॉर टुडे राइट, लेट्स हैव इट, लेट मी ट्राई द विंग विंग्स, इट्स गुड, हमने आज स्ट्रीट फूड बहुत खाया बहुत, और उसमें से टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट थिंक वी हैव एक्चुअली इन स्क्रैच द सर्फेस बिकॉज वी हैव जस्ट गॉन टू द मार्केट एरियाज का कवर किया है, सो बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम वी डिड व्हाट वी कुड बेस्ट, बट ऑब्वियसली वी हैव कवर्ड अ लॉट टू एक्सप्लोर, बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू एक्सप्लोर इन सिलीगुड़ी। तो अभी हमारा जो कल का टूर होने वाला है दैट विल बी मोर ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड एस्टैब्लिश्ड ईटरीज, वी स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, सो अगेन वी विल मीट इन सिलीगुड़ी टुमारो फॉर ब्रेकफास्ट। So thank you for the day. Thank you so much. Thank you for inviting us. And hopefully you like Siliguri ka street food for today.